हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ एकता एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. एक्चुअली मैं स्टार्ट करने वाली थी मेकअप से, बेसिक मेकअप, बट देन आई थॉट कि स्किन केयर ज़्यादा अच्छा रहेगा शुरू करने के लिए. बहुत टाइम से सोच रही थी कि किस पे बनाऊँ. फिर मैंने सोचा मॉइस्चराइज़र पे बनाती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट. एंड काफ़ी सारे लोग मॉइस्चराइज़र को, आई डोंट नो व्हाई, दे स्किप मॉइस्चराइज़र. मॉइस्चराइज़र को स्किप नहीं करना होता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, जो भी सीज़न हो, मॉइस्चराइज़र इज़ मस्ट. सो आज मैं मेरे टॉप फेवरेट मॉइस्चराइज़र के बारे में बताऊंगी. एक्चुअली इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही ब्रांड का दो मॉइस्चराइज़र जो मेरा फेवरेट है उसके बारे में बताऊंगी. फिर इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं कभी बता दूंगी अपने बाकी फेवरेट मॉइस्चराइज़र्स के बारे में. लेकिन हाल फिलहाल में मैं जिसके बारे में बताने वाली हूँ वो है पॉन्ड्स. एक्चुअली पॉन्ड्स मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि ये दोनों भी जो मॉइस्चराइज़र हैं ये हर स्किन टाइप को सूट हो जाते हैं एंड दोनों ही काफ़ी लाइट हैं. ओके, सबसे पहले मैं बात करूँगी पॉन्ड्स के लाइट मॉइस्चराइज़र के बारे में. ओके, जिसका की इंग्रेडिएंट है विटामिन ई एंड ग्लिसरीन, दोनों ही स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है. ओके, और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पॉन्ड्स का उसी मॉइस्चराइज़र की तरह होगा जो यू नो छोटे डिब्बे में आता था कोल्ड क्रीम, तो नहीं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है. वो काफ़ी हैवी क्रीम था और जिससे स्किन काफ़ी ग्रीसी, ऑयली और थोड़ी सी यू नो डार्क भी लगती थी, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. ओके, तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि ये इसे आपको हर महीने परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, भले ही आप दिन में भी यूज़ करो और नाइट टाइम के टाइम भी यूज़ करो. ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा टेक्सचर बता देती हूँ कैसा है. तो आप देख सकते हो मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है. राइट, अभी मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ. ये मोस्टली मैं डे टाइम के टाइम यूज़ करती हूँ. ये है इसका टेक्सचर, स्किन में काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, और ये काफ़ी एक अच्छा ग्लो भी देता है. ये मैट है बट एक अच्छा ग्लो देता है, आप देख सकते हो, करेक्ट. तो ये डिफरेंस है. अभी आपको इसके क्वांटिटी के बारे में बता देती हूँ. तो ये आपको 250 ml जो है आपको 299 rupees का इसका MRP है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये अमेज़ॉन और नायका पे सेल पे ही रहता है, तो ये आपको हमेशा यू नो थोड़े बहुत डिस्काउंट पे मिल ही जाएगा. नहीं भी मतलब तो भी 299 इज़ अ स्टील क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है. अब ये आपको जो हाइड्रेशन है वो आप अगर एक्सपेक्ट करें कि पूरा दिन का हाइड्रेशन देगा तो नहीं, 4 to 5 hours तक का हाइड्रेशन ही आपको देगा. अभी वो डिपेंड करता है आप यू नो आपके सराउंडिंग में हो, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये 4 to 5 hours में ही ये काम करता है. ठीक है, अभी दूसरा जो है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, मैं अब आपको इसके बारे में बताती हूँ. ये जो है ये इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है. मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया बट ये एक तरफ आ गया है काफ़ी. अब इसको देख सकते हैं कैसा है, करेक्ट. इसका टेक्सचर अभी मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी वाटरी टेक्सचर है इसका. ये देखिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, करेक्ट. ये देखिए ये भी स्किन में काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और काफ़ी एक अच्छा ग्लो जो आपको देता है, और ये बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी नहीं है, अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. ओके, एंड इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई, जो कि लाइट मॉइस्चराइज़र में भी था, और है हाइलुरोनिक एसिड जो कि हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम तक हाइड्रेटेड रखता है. और यहाँ पे जैसे कि दिखाया जा रहा है नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन, तो आई टोटली अग्री, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है. ओके, और अच्छा ग्लो भी आपको देता है. और ये दोनों, और इसका अगर मैं आपको क्वान्टिटी बताऊँ तो ये आपको 299 में ही है, लेकिन इसका क्वांटिटी कम है, ये 147 grams ही है. इसके भी इन दोनों भी मॉइस्चराइज़र के आपको तीन तीन अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे आप क्वांटिटी में आप
समझ रहे हो कि ये कम है और ये ज़्यादा है. तीनों में आपको, इन दोनों भी मॉइस्चराइज़र में तीन तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं. आपको पहले सिर्फ ट्राई करना है तो छोटे वेरिएंट्स ले लीजिए आप, फिर ट्राई करके देखिए. लेकिन मुझे तो दोनों ही अच्छा लगा तो मैंने दोनों का ही बड़ा टब ले लिया. और मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसे विंटर्स में प्रेफर करती हूँ और इसे समर में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लाइट है और स्वेटी नहीं लगता है ज़रा भी. यू नो, काफ़ी अपने मॉइस्चराइजर्स देखे होंगे जो स्किन पे लगाने के बाद थोड़ा स्वेट आने लगता है. आई डोंट लाइक दैट. तो ये दोनों काफ़ी अच्छा है. तो अभी मैंने इसके बारे में कुछ नोट्स भी लिखा था तो जो आई गेस मैंने बता दिया है. तो यही था इतना इन दोनों मॉइस्चराइजर्स के बारे में. बहुत अटक रही हूँ मैं, सो सॉरी, फर्स्ट वीडियो है. आई होप आगे जो है मैं इतना ना अटकूँ मेरे आगे की वीडियोस में. तो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना, और जो भी रिव्यू है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट. ओके, एंड कोई सजेशन होगा वो भी आप मुझे दे सकते हैं. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू.